सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आ जाए और आपके फ़ोन पे आ जाए, कंप्यूटर पे आ जाए, सब जगह आ जाए। ठीक है गाइस, तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तो वो है कि GoPro की जो किट होती है एक्सेसरी वाली, वो सबसे सस्ती और बढ़िया रेट में कहाँ से परचेज़ करें। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में से लेना चाहते हो तो दिल्ली जैसे शहर से या लुधियाना जैसे शहर से आप परचेज़ कर सकते हो। लुधियाना में अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहते हो तो सिंह संस नाम की एक शॉप है, ये नियर घंटाघर रेखी सिनेमा के पास, वहाँ से भी आप परचेज़ करते हो। पर मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, वहाँ पे मुझे मिल रही थी 2000 रुपीज़ की और बैग भी साथ में नहीं मिल रहा था, और मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई है, ये किट ये मंगवाई है मैंने। गैस करो, लास्ट में बताऊँ रेट, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पर ये भी मैं लास्ट में बताऊँगा। चलो तब तक इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें बताते हैं क्या क्या इसके साथ मुझे मिला है। ठीक है, और GoPro Hero 7 की ऐसे कैम, जो भी जितने भी सारे एक्शन कैमरा आप इस किट को आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब के सब एक्शन कैमरा के साथ काम आएगी। सो गाइस, देखते रहिए मेरी वीडियो, मैं आपको इसी वीडियो के बीच में कहीं पे आपको ये बता दूंगा कि ये किट मैं कितने रुपए की लेके आया हूँ, कितने रुपए की मैंने कहाँ से ऑर्डर करी है, कहाँ से नहीं करी। ठीक है गाइस, तो इसे करते हैं अनबॉक्स, देखते रहिए इस वीडियो को। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हो, सो गाइस ये मुझे बैग इसके साथ फ्री मिला है। फ्री मतलब कि इसके अंदर ही सारा सामान मुझे मिला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे इसके साथ मिला है। ठीक है गाइस, तो इसको करते हैं अभी शुरू। सो गाइस, मैंने अपने बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बना रहा था तो बन गई है, तो अभी इसे करते हैं ओपन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस किस के, ये जो भी इसके साथ सामान मिला है वो किस किस काम आता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखते जाएं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माउंट है, ये चेस्ट माउंट के काम आता है। मैं सबकी एक एक पिक्स साथ में शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, तो आराम से देखो, इसे ओपन करोगे और ये आपके चेस्ट पे ऐसे ही कवर हो जाता है, लाइक इसे आप पहनोगे यहाँ से आपका गला निकलेगा। ठीक है गाइस, तो अभी इसको रख देते हैं साइड पे, मैं पैकिंग करता रहूँगा साथ में। और इसके साथ मुझे मिली है एक सेल्फी स्टिक, ये आपको फ़ोन, ये आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो और GoPro के लिए भी। यहाँ पे एक माउंट है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये माउंट जो है इसके साथ अटैच हो के आप इस पर GoPro भी लगा सकते हो। और ये अकेला माउंट ही 150 रुपीज़ का आप ऑनलाइन मिलता है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो अकेला माउंट भी आप जाके परचेज़ कर सकते हो। मैंने इसी की वजह से किट मंगाई है, और चलो कुछ और सामान भी मुझे साथ में मिल गया है और जिसका फ़ायदा मुझे इन फ्यूचर हो जाएगा, लाइक अगर अंडर वाटर आप GoPro यूज़ करते हो तो इसे यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये माउंट जैसे ऊपर लग गया है, तो आप इस पर GoPro अटैच करके इसे अपना GoPro को सेल्फी स्टिक, लाइक ट्राइपॉड, खुद की वीडियो बनाते हैं जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लाइक मैं भी जैसे करूँगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अंडर वाटर लाइक GoPro को यूज़ करना चाहते हो, GoPro Hero 7 जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मीटर्स तक वाटरप्रूफ है विदाउट एनी केसिंग, सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अगर मान लो आपका GoPro आपके हाथ से निकल जाता है, आपने सेल्फी स्टिक पे लगा रखा है, तो उस केस में आपका GoPro ऊपर पानी में तैरता हुआ नहीं आएगा। अगर ये आपने लगा रखा हो तो ये लाइक इसमें एयर होती है, तो ये उस केस में आपका GoPro है तैरता तैरता ऊपर आ जाएगा, लाइक ये बोतल की तरह काम करता है। पूरी सील्ड है देखो। ठीक है, ये आप टूल इसके साथ मिलता है, टूल के साथ अटैच होकर टच हो जाता है। एक किस काम आता है, सो मैं आपको अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये किस काम आता है, ये आप देखो, ये जो है ना, ये अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने बाइक के हेलमेट के ऊपर GoPro को अटैच करके, तो आप GoPro की केसिंग के अंदर इसे भी लगा सकते हो, जिसके लगाने के बाद जो मॉइस्चर है, जो विंटर टाइम मॉइस्चर आ जाता है ना कैमरे में, वो नहीं आएगा। सो ये इसका मत है, काफ़ी है वैसे, ये ज़्यादा भी काम नहीं आती, बट फिर भी ये काम की चीज़ है। उसके बाद आती है इसकी बारी, ये माउंट्स है अलग अलग टाइप के, कुछ कर्व हैं, कुछ स्क्वायर हैं, कैसे दिखा देते हैं। और उसके साथ आपको टेप भी मिल जाती है, 3M की टेप होती है, सबसे पक्की टेप है भाई ये। हाँ, ये माउंट है, ये देखो आप देख रहे हो, जैसे कि ये चोरस माउंट है और ये कर्व सा माउंट है एक,
ठीक है, ये भी आप GoPro के साथ अटैच करके यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि GoPro के साथ भी दो माउंट ऐसे मिलते हैं, वो भी आप काफ़ी तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक, बाइक पे लगाने के लिए, बाईसाइकिल पे लगाने के लिए GoPro, ठीक है। बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी सामान आया है ना, वो कुछ मतलब कि 41 इस किट में चीज़ें हैं, 41 या 40 एक में। ये जे कर्व का जैक होता है जो कि हेलमेट के ऊपर आपके लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे GoPro अटैच होता हो जाता है और यहाँ पे आपकी जो टेपिंग है 3M वाली वो लग जाती है, नहीं हाँ सॉरी, टेपिंग दूसरी इस पर लगती है इस माउंट पर, और ये उसके बाद अटैच हो जाता है इस पर। तो आपका जे कर्व का माउंट जो है हेलमेट पे, या अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये भी इसकी कवरिंग, इस कैमरा के लेंस की कवरिंग मिली है, पर ये प्लास्टिक की है, इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट है, क्योंकि ये आपके GoPro के शीशे के ऊपर स्क्रैच डाल देगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर GoPro आपका अटैच हो जाएगा। ये जे कर्व का वाला माउंट आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ, कैसे ऐसे GoPro लग जाएगा इसके ऊपर GoPro। और ये आप गाड़ी के अपने डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हो, बोनट पे भी लगा सकते हो। तो ये भी आप देख सकते हो, ये जो काफ़ी लंबी सी डंडी आपको नज़र आ रही है, डंडी बोल सकते हो इसे, और क्या बोल सकते हो आप मुझे कमेंट में बता देना क्या क्या इसे आप बोल सकते हो। ये डंडी जो है हेलमेट के ऊपर लगती है, ये भी एक माउंट है जो GoPro के लिए, ये GoPro यहाँ पे लग गया, ये माउंट के ये इसमें लग गया, दिखा रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ क्लियर। ये माउंट यहाँ पे टेप 3M की, ये साथ इसके मिली है, हाँ ओरिजिनल टेप है, और अरे नीचे गिर की कोई बात नहीं, पाल में उठा लें। यहाँ पे आपका जेकर का माउंट, फिर GoPro, और ये लग जाएगा इधर, ये देखो इधर लगा दो GoPro, दो आपको स्क्रूज भी आपको इसके साथ मिले, ये लग जाएगा हेलमेट के ऊपर। हेलमेट कई लोग ऐसे अपने हेलमेट के ऊपर इसे लगा देते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो इसके साथ रिकॉर्ड होती है। तो जो भी मोटो व्लॉग करते हैं, लाइक मुंबई कर निखिल भी मोटो व्लॉग करता है, और लाइक और कौन हो गया, एक अपने JS पाजी हैं, JS फिल्म वाले, वो भी मोटो व्लॉग करते हैं, तो वो सब में भी ये माउंट यूज़ करते होंगे। ये आपके आ जाता है ट्राईपोड, टाइम लैप्स बनाने के लिए, और यहाँ पे लग जाता है जो भी है आर्म जो भी है, हाँ अटैच होता है यहाँ पे, आपका GoPro अटैच हो जाएगा और आप ऐसे भी ब्लॉग कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, 9 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। अब ये हेड के लिए आप अपने सिर पर लगा सकते हो, अगर सिर पर नहीं लगाना स्विमिंग करते टाइम हेलमेट पर लगाना, हेलमेट पर लगा सकते हो, और काफ़ी चीज़ों पर ये वाला माउंट जो है लग जाता है। और ये एक चिमटी सी आ जाती है ऐसे करके, पता नहीं ये कहीं पे भी अटैच कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ज़रा उसमें पावर लग रही है, दिखाता हूँ आपको खोल के, ये देखो चिमटी टाइप ऐसे आ जाता है, इसे खोल के देखो कितनी पावर लग रही है। देख लो, अब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इसमें आ गई हैं, और 40 से अबव ही आई हैं, कम नहीं आई। बट मैं जो सेल्फी वाला माउंट है वो इसमें सोच रहा था कि दो आएंगे, पर वो एक आया है, तो आप भी इसे जाके परचेज़ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ली है 1800 रुपीज़ में amazon.com से, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें मिल गई हैं। तो इसमें आप बाद में इस किट को यूज़ कर सकते हो, अगर आप इस ये टूल किट नहीं रखते तो इसे आप GoPro रख लो, यहाँ पे आपका कुछ भी सामान रख सकते हो, जो भी आप नीडी, जो भी आपको ज़रूरी चाहिए होगा माउंट वगैरह रख सकते हो, और इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हो इस किट को, तो काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। किट की सबसे ज़्यादा वैल्यू तो किट की आ गई, और GoPro तुम्हारा तो है ही, ठीक है। और उसके बाद रही बात, इसको कर देते हैं पैक,
वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना और आगे की वीडियो के लिए वेट करना। अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आ रही हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।